हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्योमेट्रिकल टॉलेस सिंबल जो कि एक ड्राइंग शीट के ऊपर कैसे बनाए जाते हैं तो कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक ड्रॉइंग शीट के ऊपर कंप्लीट ज्योमेट्रिकल टॉलेस सिंबल बने हुए हैं। ये सिंबल आपके इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के एग्जाम में, वर्क कैलकुलेशन साइंस के एग्जाम में और थ्योरी के एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के अंदर जो शीट जो होती है उसके ऊपर कैसे बनाए जाते हैं, कौन से सिंबल का क्या अर्थ रहेगा, तो कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। तो नंबर एक पे देखिए लिखा हुआ है स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस का जो सिंबल रहेगा वो रहेगी सीधी, बिल्कुल एक ही लाइन आएगी, ठीक है ना। ये लाइन आप थिक भी बना सकते हो और थिन भी बना सकते हो, ठीक है ना। स्ट्रेटनेस का मतलब क्या है, एक ही सीध के अंदर कोई भी हमें ऑपरेशन करना है तो वहां पे ये आपको एक लाइन लगा देनी है, तो इसका मतलब क्या है पे स्ट्रेटनेस का रहेगा। नंबर दो पे जानेंगे फ्लैटनेस, ठीक है ना। फ्लैटनेस का मतलब क्या, समतलता, ठीक है ना। तो ये इस तरह का एक रेक्टेंगल आपको बना देना है और दोनों साइडों में थोड़ा सा हल्का सा टेपर कर देना है, तो इस तरह का ये सिंबल आपको बनाना है। तो ये सिंबल किसका रहेगा, फ्लैटनेस का। नंबर थ्री पे देखिए राउंडनेस, ठीक है ना। राउंडनेस में क्या होता है, एक सर्कल आपको लगा देना है, ठीक है ना। तो इस तरह का ये सिंबल किसका रहेगा, राउंडनेस का रहेगा। नंबर फोर पे रहेगा सिलिंड्रिकल शेटी, इसमें आपको एक राउंड बनाना है, ठीक है। राउंड बनाने के बाद में दोनों तरफ एक एक लाइनें खींच देनी है, तो ये सिलिंड्रिकल शेटी का सिंबल ये बन जाएगा। नंबर फाइव पे देखिए पैरेललिज्म, इसके अंदर आपको दो पैरेलल लाइन खींच देनी है, ठीक है ना। तो ये सिंबल आपके एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं, दो या तीन सिंबल रहेंगे तो काफ़ी ये ईजी होते हैं। नंबर सिक्स पे देखिए स्क्वेयरनेस, स्क्वेयरनेस में आपको क्या है, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। उसके ऊपर लंबवत 90 डिग्री पे एक लाइन आपको लगा देनी है, दोनों जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे, तो ये आपका स्क्वेयरनेस का सिंबल रहेगा। ये नंबर सेवन पे रहेगा एंगुलरिटी। एंगुलरिटी के अंदर क्या रहेगा, एक आपको स्ट्रेट लाइन लगानी है और ये जो एंगल जो बना हुआ है ये आपका बनाना है आपको 45 डिग्री पे, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल आपका एंगुलरिटी का रहेगा। कोई भी एंगल अगर हमें कहीं भी किसी भी ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे इस तरह का सिंबल बना देने से इसका मतलब क्या रहेगा, एंगुलरिटी का ये सिंबल है। नंबर एट पे देखिए पोजीशन, ठीक है ना। तो आपको एक सर्कल बनाना है और उसके बीच के अंदर सेंटर निकाल देना है, यानी एक प्लस का निशान लगा देना है, तो इस तरह आपका ये पोजीशन का सिंबल बन जाएगा। नंबर नौ पे देखिए कॉन्सेंट्रिक सिटी, तो इसमें क्या है, एक सर्कल आपको लगाना है, उसके ऊपर फिर एक और सर्कल लगा देना है कुछ गैप बना के, तो इस तरह का कॉन्सेंट्रिक सिटी का ये सिंबल रहेगा। नंबर टेन पे देखिए सिमेट्री, ठीक है ना। सिमेट्री के अंदर क्या रहेगा, एक बड़ी लाइन रहेगी और दोनों साइड के अंदर पैरेलल लाइन रहेगी, ठीक है ना, और उनका जो साइज है वो बराबर आपको रखना है। उसके बाद में नंबर देखिए 11 पे लिखा हुआ है प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, ठीक है ना। कोई भी किसी भी आकृति को प्रोफाइल अगर हम बनाते हैं तो इसके अंदर हाफ सर्कल आपको लगाना है, ठीक है ना, तो ये प्रोफाइल लाइन का सिंबल रहेगा। उसके बाद 12 नंबर पे देखिए प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस, तो इसमें आपको हाफ सर्कल बना के और नीचे से क्लोज कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह के ये सिंबल रहेंगे। उसके बाद में जानेंगे देखिए ज्योमेट्रिकल सिंबल थे ये, ठीक है ना। उसके बाद टॉलरेंस सिंबल और जान लेते हैं। तो ऊपर देखिए यहाँ पे ग्रेड ऑफ सरफेस फिनिशिंग N1 to N12, ठीक है। उसके बाद देखिए सरफेस फिनिशिंग सिंबल, ये जो सिंबल जो है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो लाइन लगी हुई है और नीचे लाइनें लगाई हुई थी, इसका मतलब क्या है, ये कोई पार्ट्स है और ये ठोस है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई ना कोई मशीनिंग क्रिया करनी है, ठीक है ना। ये पार्ट्स आपको मान के चलना है नीचे वाला, यानी एक तरह की ये जॉब है और उसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे एक रेक्टेंगल बनाना है आपको, ट्रेंगल बनाना है और ये ऐसे लाइन खींचनी है, ऊपर जाके ऐसे कर देना है। सिंबल बनने के बाद देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी और ब्रैकेट में या फॉर वी, यानी छह टाइप के हम आपको बताएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। तो ए का मतलब क्या है, रफनेस वैल्यू है ये, ठीक है ना। तो ये आपका कोई पार्ट्स है और इसके ऊपर ये ऐसी त्रिभुज बना के ऐसा बना के, ठीक है, और उस पर ए अगर हम लिख देते हैं तो इंजीनियर आके देखेगा भी इस पर ए लिखा हुआ है, तो इस पार्ट्स के ऊपर हमें रफनेस वैल्यू है, यानी ये पार्ट्स बिल्कुल रफ है, इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हम पहले रफ ऑपरेशन करना होगा, ठीक है। और बी पे देखेंगे ट्रीटमेंट या फिर कटिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। बी कहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, ये त्रिभुज बना के अगर बी अगर हम ऊपर लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कटिंग ऑपरेशन होना है इस पार्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। इस सरफेस के ऊपर क्या रहेगा आपका, कटिंग ऑपरेशन। सी पे चलेंगे, ये है फिनिशिंग लेंथ, सी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अगर नीचे की तरफ अगर सी लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है, फिनिशिंग लेंथ है, इसके ऊपर हमें कोई ना कोई फिनिशिंग क्रिया करनी है। उसके बाद देखिए डी, डायरेक्शन ऑफ फ्ले, डी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है, अगर ये त्रिभुज बना के ऐसे करके और यहाँ पे खाली अगर डी लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्ले यानी ए की दिशा के अंदर हमें फिनिशिंग इसकी करनी है।
ई का देखेंगे मशीनिंग अलाउंस, ई का भी लिखा हुआ यहाँ पे, यानी कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे अलाउंस देना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए एफ लिखा हुआ है अदर रफनेस वैल्यू, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट में एफ लिख देते हैं और सी लिख देते हैं, सी का मतलब क्या है, फिनिशिंग लेंथ है और रफनेस वैल्यू है, यानी इसके ऊपर अलग से कोई ना कोई अदर ऑपरेशन हमें रफनेस का भी करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया है सरफेस फिनिशिंग के जो सिंबल थे। तो आइए अब जान लेते हैं ग्रेड ऑफ सरफेस फिनिशिंग N1 to N12, ठीक है ना। कई बार एग्जाम के अंदर आपका थ्योरी का एग्जाम हो या फिर वर्क कैलकुलेशन का, उसके अंदर पूछा जाता है कि ग्रेड ऑफ सरफेस फिनिशिंग टोटल कितने हैं, N1 से लेके N12 तक होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे उसमें N0 से लेके N12 भी मिलेगा, N1 से लेके N10 भी मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, N1 से लेके N12 तक, ठीक है ना। एक थ्योरी का क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। उसके बाद में देखिए N12 अगर लिखा हुआ है और ये ऊपर देखिए रफनेस का सिंबल रहेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या है, 80 माइक्रोन से अगर ऊपर जो भी किसी भी सरफेस फिनिशिंग पे करना है, इस तरह का अगर सिंबल है उसके ऊपर बना देते हैं, ठीक है ना, किसी भी पार्ट्स के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है 80 माइक्रोन से ऊपर और ये रफ वैल्यू रहेगी N12। उसके बाद में देखिए N11 और L12 के लिए आपको एक त्रिभुज बनानी है, वो भी उल्टी बनानी है, ठीक है ना। कई बार विद्यार्थी क्या कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं बनाना आपको, इस तरह की त्रिभुज बनानी है उल्टी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये एक बनाने के बाद में ये जो सिंबल जो बना हुआ है इसमें कौन सा ग्रेड आएगा, रफनेस जो वैल्यू रहेगी वो N11 और N10 रहेगी या फिर 9, 8 या 7 रहेगी। तो आपको क्या याद रखना है, N11 और N10 के लिए एक त्रिभुज रहेगी जो कि 40 से लेके 80 माइक्रोन के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। उसके बाद में देखिए सेकंड जो बने हुए हैं, जो त्रिभुज से जो उल्टी बनी हुई है, इसमें 9, 8 और 7 तीन रहेंगे, ठीक है, 16 से 40 माइक्रोन। उसके बाद में देखिए 6, 5, 4 के लिए तीन रहेगी और 1 माइक्रोन से लेके 16 माइक्रोन के बीच में सरफेस रहेगी। उसके बाद में देखिए N3, N2 और N1 के लिए 4 उल्टी आपको त्रिभुज बनानी है और ये 1 माइक्रोन से डाउन में, यानी सरफेस सुपर जो फिनिशिंग जो होनी है वो आपकी रहेगी N3, N1, N2 और N1 के अंदर। तो ये कंप्लीट सिंबल पीरियड आपको मैंने आपको बता दिए हैं, यो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में, थ्योरी के एग्जाम में भी रहेंगे और वर्क कैलकुलेशन के एग्जाम में भी रहेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।